हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज तारीख है 8 मई दोस्तों, और मैं आपके लिए 8 मई की करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पहला पढ़ूं, सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, और जितने भी दोस्त हैं वो बाद में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। लाइक करो और कमेंट में आंसर दिया करो। बहुत कम स्टूडेंट अभी आंसर दे रहे हैं, प्लीज दो भाई, आपका बड़ा फायदा होने वाला है इससे। देखो, ये क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, IPFO रिकॉर्ड में जन्म की तिथि को सुधारने के लिए किस डॉक्यूमेंट को मान्यता दी गई है। IPFO रिकॉर्ड में जन्म तिथि को सुधारने के लिए किस डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है, आधार कार्ड को। आधार कार्ड ही आजकल सबसे ज्यादा मान्य डॉक्यूमेंट्स है, और इसी को ये दी गई है कि आपकी जन्म तिथि में कोई गड़बड़ है तो आप आधार कार्ड का इसमें यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर दो है, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की शुरुआती चेतावनी संकेत देने वाले एक नए सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों नासा ने। अब देखो, नासा के बारे में मैं आपको कम से कम अब तक 10 बार बता चुका हूंगा। नासा की स्थापना कब हुई, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नासा के इस टाइम पर अध्यक्ष कौन है, नासा के संस्थापक कौन है, मैंने ये तक बताया है आपको। तो आज आपका क्वेश्चन यही है कि आप सभी दोस्त नासा के बारे में लिखोगे ज्यादा से ज्यादा। देखो, आप लिखो, आपको बड़ा फायदा होने वाला है, और मुझे पता है कि जो दोस्त लिख रहे हैं उनको बड़ा फायदा हो रहा है, उनको याद हो रही है, स्टैटिक जीके तैयार हो रही है उनकी इसी बहाने से, ठीक है। चाहे वो एयरफोर्स हो, रेलवे हो, पुलिस हो, SSC हो, PCS हो, कोई भी हो, इनमें सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट, इनका नाम बुलेट नहीं बुलेट है दोस्तों, ठीक है ना, बुलेट प्रकाश का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो एक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, और दोस्तों इनका निधन हो गया है 44 साल की एज के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, M.K. अर्जुन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा के मशहूर संगीतकार थे। M.K. अर्जुन किस भाषा के मशहूर संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर है दोस्तों इसका मलयालम। क्या है, मलयालम। तो दोनों को याद रखोगे, मलयालम के थे M.K. अर्जुन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्च मार्ग 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखोगे अभी द लॉन्च मार्च 5V लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा सफलतापूर्वक, ठीक है। चीन के बारे में डिटेल्स मैं काफी पहले से भी बताया हूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी रेनमिन भी है, चीन के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है, ठीक है ना, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों कि नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में किसके लिए युवा पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया है। तो नाम याद रखना, ये है सौरभ लोढ़ा, ठीक है ना, किसको, सौरभ लोढ़ा को ये पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्तफा अल कादिमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखो, जहां पर नए प्रेसिडेंट और नए प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं ये भी क्वेश्चन पेपर में आता रहता है हर बार, तो मुस्तफा अल कादिमी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। इराक की बात करो दोस्तों तो इराक की राजधानी है बगदाद, क्या है, बगदाद, और इराक की करेंसी है दोस्तों दीनार, क्या है, दीनार, और प्रधानमंत्री अभी बने ही है मुस्तफा अल कादिमी, तो इतना याद रख लेना है इराक के बारे में आपको। किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा दोस्तों कर्नाटक की सरकार ने की है। कहां की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने की है। कर्नाटक की बात आती है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के CM इस टाइम पर है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के इस टाइम पर गवर्नर है बेजू भाई बाला, क्या नाम है, बेजू भाई बाला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। तो दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, पीरामल ग्रुप ने मिलकर नीति आयोग के साथ ये लॉन्च किया है। नीति आयोग की दोस्तों बात करोगे
तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई है वो योजना आयोग की जगह पर की गई है। पहले योजना आयोग चलता था, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक। अब उसको खत्म कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो नीति आयोग का हेड हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी, और 1 जनवरी 2015 को भी कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। इस टाइम पर देखोगे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, क्या नाम है दोस्तों, राजीव कुमार। नीति आयोग के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है अमिताभ कांत, क्या नाम है, अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। और नीचे लिखा हुआ है ये हमारे चैनल का नाम है ई-लर्निंग क्लासेस, ठीक है दोस्तों। हमारा चैनल कौन सा, ई-लर्निंग क्लासेस, जिसमें आप पढ़ रहे हो ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में बिजायनी एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, देखो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, हाल ही में बिजायनी एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक का विमोचन, नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है, इसके कौन है, तो ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है, एक का नाम है वी एन थापर और दूसरी है नेहा द्विवेदी, कौन है, नेहा द्विवेदी, तो इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। मैं आपको लगभग अब तक 3-4 पुस्तक बता चुका हूं, सबको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नया पोर्टल लॉन्च किया है गरुड़, और ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है देखरेख के लिए लॉन्च किया गया है, इससे निगरानी की जा रही है कोविड-19 की महामारी जो फैली हुई है देश में उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मंजूरी दी है, तो ये हमारे देश ने 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी मेक्सिको को दी है दोस्तों, किसको दी है, मेक्सिको। अब देखो मेक्सिको की बात आती है, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है दोस्तों, मेक्सिको की जो करेंसी है वो है पीसो, PESO या पेसो भी बोल सकते हो, पीसो बोलते हैं, और मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पर उनका नाम है, देखो मैंने सामने लिख दिया है, काफी बड़ा नाम है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, क्या नाम है, हाँ लेब्राडोर मत कर देना कोई, ओब्राडोर, ठीक है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में श्रीकांत माधव वैद को किस कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है, तो इनको बनाया गया IOCL, किसको बनाया गया, श्रीकांत माधव वैद को चेयरमैन IOCL का बनाया गया। IOCL की बात की जाए दोस्तों, तो IOCL की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL की फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL की स्थापना 1959 को हुई थी दोस्तों, इसकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और चेयरमैन आप देख ही रहे हो अभी कौन बन गए, श्रीकांत माधव बन गए, याद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू रूप से सुचारू रखने के लिए VSR मॉडल लॉन्च किया है, तो स्मार्टफोन ने रिटेलर्स के लिए कारोबार चलता रहे तो इसके लिए एक VRS लॉन्च किया है, ठीक है, और वो किया है दोस्तों विवो ने, किसने किया है, विवो ने किया है। अब देखो विवो की बात करो तो विवो की स्थापना 2009 में हुई थी, कहां पर हुई है, चाइना में इसकी स्थापना हुई है, और इसकी जो संस्थापक है वो शेन वेगई है, वेई इसके संस्थापक है, इतना याद कर लिया करो छोटी छोटी सी बात। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योजना लॉन्च की है, तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योजना लॉन्च की है। अब देखो त्रिपुरा के बारे में मैं आपको हर बार बता रहा हूं वीडियो में, कल भी बताया था एक क्वेश्चन त्रिपुरा का, कल भी आया था। त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है, त्रिपुरा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विप्लव कुमार देव, और त्रिपुरा के जो गवर्नर है उनका नाम है राकेश व्यास, क्या नाम है, राकेश व्यास।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें आज समझ में आई होंगी और क्वेश्चंस मैंने आपको नासा से रिलेटेड दिया है। देखो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की हो जाएगी आपको दोस्तों, प्लीज दिया करो आंसर और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो यहीं पर आज विदा लेते हैं आपसे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।